सरदार इंजी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल ओवर टिकटॉक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही ईद के हवाले से होगा कि आप सब लोग ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची और किस किसने कुर्बानी का जानवर ले लिया है और किस किसने अपने कपड़े बना लिए हैं, औरतों से खास तौर पे के कपड़े किस किसने बना लिए हैं। पढ़ोगे आर यू लुकिंग फॉर अ सेकंड ब्रदर? थैंक यू सिस्टर, हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सेकंड वाइफ की, क्योंकि ऑलरेडी मैं फोर्थ हूँ, तो आप कहीं और जाके देखें रिश्ता। आई एम नॉट लुकिंग एट द मोमेंट, थैंक यू। आई डू अप्रिशिएट बट आई एम नॉट लुकिंग। हेलो, व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू अ वुमन ट्राइंग टू फाइंड अ हस्बैंड बट डजंट हैव फैमिली फ्रेंड्स एट? सो या, वेरी गुड क्वेश्चन। डीना आस्क्ड अ क्वेश्चन, डीना हालिद, दैट व्हाट एडवाइस शुड आई गिव टू अ वुमन ट्राइंग टू फाइंड अ हस्बैंड बट डजंट हैव फैमिली फ्रेंड्स एक्सेप्ट एनी गाइडेंस? सो इफ आपके पास फैमिली नहीं है, फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। तो जो है आपको कोई ना कोई रिलेटिव होगा, यू नीड टू मेक अ वली। जो लड़की कुंवारी होती है उसको कोई ना कोई वली बनाना पड़ता है। कोई भी नहीं है तो आपको अपने मस्जिद के इमाम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको वली बनाना पड़ेगा और वो आपकी शादी करवा सकते हैं। दैट इज़ द प्रेफर्ड वे कि आप वली बनाएं। आप बालिग हैं तो आप खुद भी कर सकती हैं, लेकिन ये है कि प्रेफर्ड वे ये है कि आप किसी ना किसी को वली बनाएं, भाई को, बाप को। अगर खुदा नास्ता ऐसे कोई फैमिली नहीं है तो रिश्तेदारों में से किसी को, और वरना ऐसा भी कुछ नहीं है तो फिर आपको मस्जिद के इमाम से मिलना पड़ेगा और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आपके वली बने। होप दैट आंसर योर क्वेश्चंस। आलम, आई एम गुड, थैंक यू। एनी, थैंक यू, यू विल बाय दैट ड्रेस, श्योर, दैट्स गुड। राबिया आमिर .com इज द वेबसाइट। इट्स इन प्रोसेस एंड इट्स ऑन वर्किंग, इट्स इन प्रोसेस, सो होपफुली इज गोइंग टू बी लॉन्च प्रीटी सून, सो हैव एन आई ऑन दैट। और थैंक यू, आप सब लोग मेरे ड्रेसेस इतने पसंद करते हैं, इतने पसंद करते हैं, और आप लोग इतने पसंद करने की वजह से और इतने प्यार की वजह से हमने सोचा क्यों ना हम अपना ब्रांड लॉन्च करें। जिस तरह ड्रेसिंग मुझे पसंद है उस तरह बहुत सारे लोगों को पसंद है, तो इंशाल्लाह ताला आपको भी वो ड्रेसिंग जो वो जल्द ही मिलेगी, और उसके साथ और बहुत ही अच्छे अच्छे से डिज़ाइन आप लोग के लिए हम लेके आएंगे जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। इंशाल्लाह ये कोई पूछ रहा ताला। है वापस कब जाना है? वापस जाना है हमने मेरे भाई, आफ्टर ईद, आफ्टर 2 वीक्स आफ्टर ईद। आलम साहब फ्रॉम दुबई, गुड टू नो दैट यू जॉइंड अस, जजाकल्ला। हाँ, चेक करो बायो। आयशा कॉल मी, आई कैन नॉट कॉल यू आयशा। आयशा आयशा राजपूत, या आई कैन कॉल यू बट यू हैव टू मैसेज मी एंड गिव मी द डिटेल्स वाई यू वॉन्ट टू गेट अ कॉल। एज आई ऑलवेज से, यू नो आई कैन, यू कैन मैसेज मी एट माई इंस्टाग्राम आई डी इन विट इज़ आमिर खान वर्जीनिया, राइट? आमिर खान वर्जीनिया इज़ माई इंस्टाग्राम आई डी। आई डू लुक एट द मैसेजेस देयर एंड इफ़ यू रिक्वेस्ट फॉर अ कॉल आई वुड लव टू कॉल यू एंड टॉक टू यू। बट प्लीज़ 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 जब आप मैसेज करें तो उसमें बताएं आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं या क्या करती हैं, क्या बिजनेस है, क्या जॉब है, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन आई नीड दैट। एंड देन इफ़ यू रिक्वेस्ट, इफ वंस आई नो हु यू आर सो आई कैन बी कम्फर्टेबल टू कॉल यू, देन आई विल कॉल यू इंशाल्लाह ताला। आप चार सद्दा आएँ, मशाल खान जी, चार सद्दा भी आएंगे अल्लाह ने चाहा तो। आप चार सद्दा में बुलाएं, हमें किसी इवेंट में बुलाएं तो हम आएंगे। इंडिविजुअल इन्विटेशन पे थोड़ा मुश्किल है, किसी इवेंट पे आप बुलाएंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। इवेंट कुड और बी एनी थिंग, कुड बी फ्रॉम योर स्कूल, कुड बी फ्रॉम योर ऑफिस प्लेस, कुड बी फ्रॉम योर फैक्ट्री, कुड बी एनी बिग गैदरिंग, एनी इवेंट। इफ़ यू डू दैट वी वुड लव टू कम, वुड लव टू मीट पीपल देयर, वुड लव टू गिव सम स्पीच, टॉक टू पीपल एज वेल। ओके इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों ने कपड़े क्या बनाए। सब लेडीज़ से, सब गर्ल्स से मैं ये पूछूंगी कि किस किस ने कपड़े बना लिए हैं और किस कलर में बनाए और कैसे ड्रेसेस आप लोग इस ईद पे पहन रहे हैं, ताकि मैं भी फिर आप लोगों से मिलते जुलते कुछ पहनूँ। और जो भाई हजरात हैं वो अपनी ये कुर्बानी के बारे में बताएं कि उन्होंने क्या जानवर लिए, हम तो आज लेके आए, और आप बताएं कि मंडी में क्या बुरे हालात थे, आपने बताया। मंडी में हम आज गए थे, बकर मंडी में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बकरे भी लिए, बैल भी लिए, तो थोड़ी मंडी ऑब्वियसली लास्ट ईयर से एक्सपेंसिव लगी, लेकिन अल्लाह की राह में देना है तो कैसा मसला नहीं है। लेकिन आई गेस एवरीथिंग इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव, सो आर द एनिमल्स एज वेल। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सम गुड एनिमल्स, अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन।
और अल्लाह ताला आपकी भी कुर्बानी का कबूल फरमाए। एंड आल्सो आई वांट टू टेल यू गाइस दैट टुमारो इज़ 9th ऑफ ज़िलहज, यू नीड टू डू अ फास्ट। अगर आप रोज़ा रखेंगे 9 ज़िलहज को तो इसका बहुत ज़्यादा अजर है इंशाल्लाह ताला। मैं भी रोज़ा रखूँगा, 9 ज़िलहज का नफली रोज़ा होता है, आप भी रखें, इसका बहुत 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 ज़्यादा अजर है। अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, फैमिली को बताएँ। और नफली रोज़ा ऐसा है कि उसमें आपको सहरी करना लाजमी नहीं है, आप नफली रोज़ा जो है दिन के 10-11 बजे तक भी उसकी नियत कर सकते हैं अगर आपने कुछ ना खाया हो तो। होपफुली यू नो यू गेट एडवांटेज ऑफ दैट। एंड इस एक नफली रोज़े से पूरे साल के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाते हैं, स्पेशली अब नौज़िल हज, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मिसेस मेहंदी कब लगाएंगी? मिसेस मेहंदी कब लगाएंगी बताएं आप? कल इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी मेहंदी और फिर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हम आज जब मंडी गए थे तो उसका हमने एक ब्लॉग भी बनाया जो कि कल मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा, टेस्ट वी अभी फूड एंड ब्लॉग पे, तो आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आप लोग को वो हमारा मंडी का ब्लॉग जो कैसा लगा। और मंडी को मुझे उर्दू पॉइंट ने कवर भी किया, वहाँ पर उर्दू पॉइंट की टीम मिली थी, तो वो भी अपलोड करेंगे। इंटरव्यू किया मंडी में किस तरह बकरे में खरीदे, तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर वॉच करें, उर्दू पॉइंट पे मेरा पूरा आएगा। थैंक यू अबीर, अबीर कैरी क्या बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, थैंक यू अबीर। वालेकुम अस्सलाम। मोमेंट टाइम 44, ये सईदा 44 जो से आप सईदा पुकारेंगे, ये जो 44 मोमेंट है ये सईदा मेरी फ्रेंड है जिसे हमारी वीडियो जो शूट की थी और उस वीडियो की वजह से आज हम यहां बैठे हैं आप लोगों के सामने। थैंक यू सईदा। और हमारी बहुत बहुत सारी वीडियोस बनानी है जो कि पेंडिंग में पड़ी है, इंशाल्लाह जब हम सईदा को मिलेंगे ना तो फिर बस ढेर लगा देंगे। हुमा गुड टू नो यू फ्रॉम न्यू जर्सी, यस वी आर क्लोज टू यू। आप बताएं मुझे न्यू जर्सी में या अमेरिका में ईद कब हो रही है? पाकिस्तान में तो वेनसडे को हो रही है, तो न्यू जर्सी में आई डोंट नो ट्यूसडे वेनसडे को या थर्सडे को है। थैंक यू आयशा, जजाकल्लाह खैर। थैंक यू आयशा। जैन हाउ आर यू डूइंग? यू हैव एबल टू सेल और प्रोडक्ट्स? फैशन पैचेस, जी फैशन पैचेस, अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, आपको हेल्प चाहिए, तो अगेन आपको मैसेज करना पड़ेगा टू रीच मी, क्योंकि राबिया इस अकाउंट पे बहुत कम मैसेज देखती है, लेकिन आई डू लुक एट माई मैसेजेस एंड माई इंस्टाग्राम आईडी इज़ आमिर खान वर्जीनिया। आप वहाँ मैसेज करें, बताएं क्या प्रोडक्ट है एंड वी कैन हेल्प यू सेल इट इंशाल्लाह ताला। अलाम फर्नीचर, यू कैन कॉल मी, ओनली यू कैन कॉल मी If you provide me your full description information and a reason for call, then I will answer your call inshallah ta'ala, or I will call you as well. Thank you Abira. Come to Fairfax please. Okay Saida, we will be coming to Fairfax inshallah pretty soon. Jald mulaqat hogi aapse, aur jo hamara pehla lunch aur dinner hai wo aapki taraf se hoga. थैंक यू आयशा राजपूत, थैंक यू, जजाकल्लाह खैर, आपने दुआ की हमारे लिए। और आपने ये बताया नहीं कि आप ईद पे किस कलर में ड्रेस पहन रहे हैं, आप भैंस से मैचिंग कर रहे हैं या बकरे से मैचिंग कर रहे हैं कि मुझसे मैचिंग कर रहे हैं? मैं तुमसे मैचिंग कर रहा हूँ, मैं बकरी से मैचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और आप सब लोग बताएं कि आप लोग के जो ड्रेसेस हैं वो किस कलर में होंगे और फिर मैं आप लोग को भी अपने ड्रेस का कलर बताऊंगी। और इंशाल्लाह कल मैंने एक वीडियो बनानी है, अपना एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं अपना ईद का ड्रेस, अपनी ज्वेलरी और अपने जूते, ये सब चीज़ें दिखाऊंगी आप लोगों को, फिर आप लोग देखिएगा कि ईद पे मेरी क्या तैयारी होगी और इन्हें भी साथ कुछ थोड़ी सी मैचिंग करवा दूंगी। नाजमा ज़िफ़रान बता रही हैं कि उसका ब्लैक एंड वाइट लाइट क्लोथ्स एज इट्स हॉट इन यूके, सो यू आर इन यूके, गुड। आप अपना जो ड्रेस हम शेयर कीजिएगा, बेशक यू कैन सेंड अ पिक्चर, आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं और फिर आप लोग की जो पिक्चर्स है वो फिर हम, या यू कैन शेयर द पिक्चर्स, यू कैन सेंड द पिक्चर्स एट माय आईडी एंड वी विल ट्राई टू यू नो शेयर इन द चैट एज़ वेल, फिर हमें आपको मिल जाएगा। श्योर, सर्टेनली डू दैट। सॉरी टू से, ओके, टिकटॉक में सॉन्ग मत लगाएं, तो सॉन्ग नहीं लगाने चाहिए, आप सही कह रही हैं। ओके, इसको कैसे करना है इस तरह में? एक सेकंड, यहाँ पे ओहो ये क्या हो गया, सॉन्ग ऑन, ओके होल्ड ऑन, आप देखें वाह क्या ये, जो सो खुद भी शाहिद भाई खुद को भी देखें आप, जो क्या बोलना है शाहिद भाई को, आप शाहिद भाई आपका काम है आप रोते रहें,
रोते रहें जितना रो सकते हैं उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि आप के दरिया रोना भरने। बंद कर देंगे तो क्या बनेगा आपका, आप रोएं जितना रो सकते हैं। डायस पार्डेस यू लिव इन वुडब्रिज, दैट्स गुड टू नो। दुबई में करंट कल ईद है। दुबई में कल ईद है, तो कल क्या ट्यूसडे है, कल ट्यूसडे, ओके दैट्स गुड टू नो। एडवांस में मुबारक भी हो रही है। ठीक है, थैंक यू रोज, थैंक यू सुलेमान फ्रॉम कुवैत, वी मिस यू टू एज वेल सईदा। आप अगर चाहते हैं कि आपका जवाब दें तो कोई तमीज़ के दायरे में रह के बात करें, देर इज़ अ रिक्वेस्ट यू गाइस। जो बदतमीज़ लोग हैं वो इस काबिल नहीं होते कि उनका नाम लिया जाए या उनको जवाब दिया और जाए, जिससे हमसे इतना मसला है प्लीज वो फिर हमारी आईडी पे नहीं आया क्योंकि करें। जो बदतमीज़ इंसान है टू अस ही इज़ जस्ट लाइक अ डॉग बार्किंग, और जो एक कुत्ता भौंक रहा होता है तो उसको क्या बंदा जवाब दे, उसको सिर्फ इग्नोर करना पड़ता है ताकि वो सब्र कर जाए ताकि बेचारा। वो खुद ही थक जाए। कुछ नहीं कह रहा था उसका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर लोग अच्छे हैं एंड वी लव देम एज दे लव अस एज वेल। वो नीचे डॉक्यूमेंट्स वो देखने पड़ते हैं जाके रुक जाते हैं। और नीचे नहीं है चलो ये ऊपर आप इसका टच सुलझा सकते हैं। स्टोन, अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग गुड, जज़ाकअल्लाह ब्रदर। आपको मेरे दोस्त हरून, हरून वालेकुम सलाम, हरून कैसे हैं आप। इमान इज सेइंग डू अब कौन खड़ा है, खड़ोता है, डू अ वीलॉग ऑन मेकअप। हाँ जी करूँगी इंशाल्लाह। मैं अभी ईद के बाद अपने मेकअप का वीडियो जट करूँगी। मुंडा जी, जट मुंडा जनाब की हाल चाल है, हंसी पंजाबी, हम पंजाबी हंसी की थे, असी पंजाबी बोल सकते हैं जनाब, पंजाबी का कोई मसला नहीं हैगा। पंजाबी तो ये बोलते हैं डाडी किस्म की। आप सुनाते हैं आज अपने अल्लाह पंजाबी। पाक आपको जजाकल्ला यास्मीन भट्ट, यासिन भट्ट थैंक यू भाई। यासिन भट्ट जजाकल्ला हैर। इतना अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला आप लोग की दुआएं कबूल करें और जो जिसे जैसी दुआ देता है अल्लाह ताला उसके लिए भी वैसा ही करें। बिनते हुआ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम हाँ जी, हम काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, प्लस आई हैव सम अदर इन्वेस्टमेंट्स, सो वी आर इन्वेस्टर्स इन सम बिजनेस, वी हैव सम बिजनेसेस। थैंक यू हुमा हुमा जजाकअल्लाह थैंक यू है। हुमा। जंगजू वालेकुम अस्सलाम, जंगजू कैसे हैं आप। जानजुआ 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 नहीं। जानजुआ सॉरी अबाउट दैट, जानजुआ आई एम पिंक यू थ्री, माशा जजाकअल्लाह। इमाद नहीं, ईमान अहमद, यू आर फ्रॉम इंग्लैंड, गुड टू नो। ईमान अहमद, अमाद हुसैन, हाय भाई कैसे हो मेरे भाई। थैंक यू सईदा। थैंक यू सईदा, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं हमारी तरफ से। जंजुआ मिस यू टू पाकिस्तान, थैंक यू जंजुआ। वालेकुम सलाम नादिर अफजल साहब, कैसे हैं आप। आपको भी हज बहुत बहुत मुबारक हो। हम अनफॉर्चुनेटली हज नहीं कर पाए इस साल, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने हज किया इस साल, क्योंकि बहुत ही कम लोग इनवाइटेड थे, मतलब है कि अल्लाह ताला ने बहुत कम लोगों को अपने घर बुलाया, और बहुत खुशकिस्मत हैं वो। अल्लाह ताला अल्लाह करे कि हम भी नेक्स्ट, अल्लाह ताला हमें भी फरमान भी अगले है। साल बुलाए, हम हज करें। अल्लाह करे कि कोविड के मसले कुछ ईज़ आउट हो, ट्रैवल ईज़ आउट हो और जनरल पॉपुलेशन कर सके, तो हम भी इंशाल्लाह ताला नियत करेंगे हज की। इंशाल्लाह उमर फारूक, अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग गुड। पिंकू, आई ओनली हैव वन वाइफ, शी इज़ राइट हियर, और मैं 10 के बराबर हूँ इसलिए कोई सोचे भी ना। और ये तो सोच नहीं सकते। चौधरी फरमान, मुझे ये जानता फरमान है, ये हमारा हो। फरमान है। ये फरमान भाईजान आप कैसे हैं? फरमान साहब आपको सब जानते हैं, आपको कौन नहीं लेकिन आप फिर जानता? भी डिटेल देने अपनी कोई मैसेज करके, ताकि हम आपको और अच्छी तरह जान सकें। पाकिस्तान कैसा चल रहा है हान साहब की हुकूमत में। पाकिस्तान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, खान साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं ऑब्वियसली। जो 70 से 60 70 साल से जो मसले बने हैं वो
तीन साल में तो हल नहीं हो सकते, तो अंडरस्टैंड करें इसको, अल्लाह करे कि कुछ मसले हल हो जाएं और खान साहब की एक और गवर्नमेंट आई तो कुछ और हल हो जाएंगे, लेकिन जितने टाइम में मसले ख़राब हैं, इट्स गोना टेक सम टाइम टू फिक्स इट एज़ वेल मेरे भाई। जी, हज का मौसम अच्छा हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह ताला। थैंक यू फरमान। थैंक यू फरमान। यू जंजुआ, यू लव नवाज शरीफ, दैट इज़ गुड टू नो। नवाज शरीफ इज़ अ वॉज अ लीडर एज वेल। हाँ ला दो, हाँ काट के लाओ। साथ साथ हम मैंगो खाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान यू आए हैं हैव तो द कुछ राइट फ़ायदा टू होगा। लव एनी लीडर यू वॉन्ट। सिर्फ दुआ हम यही करते हैं कि जो लीडर आए वो मुल्क के लिए बेहतर करें। अल्लाह करे कि जो भी नेक्स्ट टाइम आए अच्छा हो। कितना ख्याल उमर उमर रखो। भाई की सुने, ये क्या कह रही है, जरूर मैसेज आया अंदर कोई। उमर भाई, आपकी बीवी कहती है कि आमिर भाई बीवी का ख्याल रखते हैं, आप नहीं रखते, तो मेरे भाई उमर फारूक, आप भी बीवी का ख्याल रखें ताकि वो आपसे खुश रहे। थोड़ी सी कोशिश और कर लें, आप करते होंगे लेकिन थोड़ी सी और कर लें तो आपकी बीवी भी खुश होगी आपसे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अदनान मिर्ज़ा, वालेकुम अस्सलाम अदनान। हमज़ा, वालेकुम अस्सलाम हमज़ा। और ये तो आपने वो बताया ही नहीं कि जब पिछली ईद थी तो हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे, तो इस ईद पे आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं? डिफरेंट तो क्या कर रहे हैं, जो हो जाएगा हो जाएगा। और नथिंग प्लान्ड, नो सच प्लानिंग फॉर एनी वी अब टिकटॉक ऐसे सॉरी करेंगे, मैं टू गाड़ी से निकलूंगी तो आप फिर मुझे वेलकम करेंगे, ठीक है? अब उल्टा कर देते हैं। आपको वाइफ किस नाम से बुलाती है अभी बताओ मुझे। मैंने कहती हूँ हेलो हेलो, आप किधर हैं? आप मेरी बात नहीं सुने, हेलो किधर हैं? अदनान मिर्ज़ा, वी डोंट नो व्हेन वी विल कम टू यू। इनवाइट, आई इनवाइट आलम आलम फर्नीचर यू। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। आप इन्विटेशन थोड़ा डिटेल से दें। एज आई सेड, वी कैन ओनली एक्सेप्ट इन्विटेशन इफ़ इट इज़ एन इन्विटेशन फ्रॉम आर ग्रुप, इंस्टीट्यूट, स्कूल और एनीथिंग लाइक दैट, देन वी विल इंशाल्लाह एक्सेप्ट द इन्विटेशन। अच्छा तो देखिए, सईदा कह रही कि अभी सफा मैं वहाँ पर नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो अब क्या करें? आप आ जाओ सईदा प्लीज, जैसे तैसे करके पहुँच जाओ कि मेरी वीडियो जो ना शूट होने वाली रह ना जाए। इस दफा हमें फिर यही कहीं गुजारा करना पड़ेगा, तो आ करना कि फिर उस पर भी कोई हिट आ जाए। आप जैसी वीडियो तो नहीं कोई बना सकता ना, आप तो फिर क्या करोड़ों में एक हाय उस्मान, हो। थैंक यू हमज़ा जुवेद, कैसे हैं आप? गए नहीं जी, माई सिटी गुजरांवाला। जंजुआ, हम से गुजरांवाला ज़रूर आना चाहेंगे ईद के कुछ दिनों बाद आपके वहाँ पे रेस्टोरेंट में। हम आते हैं कभी कभार, क्या नाम है उसका, जहाँ पे सारे कबाब और ये तिक्के शिक्के मिलते हैं, जहाँ पर चिड़े। पटेल खाना हाँ खाते क्या नाम है हैं, रेस्टोरेंट का, नाम भूल गया है। फेमस रेस्टोरेंट है गुजरांवाला, वहाँ पे जाते हैं कभी बार, तो इस बार अभी तक नहीं गए लेकिन इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर। बटेर वगैरह से मिलते हैं हम। हस्बैंड वाइफ मिलना चाहते हैं। उमर फारूक, आप ज़रूर मिल सकते हैं। हस्बैंड वाइफ अकेले, आप डिटेल सेंड करें मुझे तो मैं आपको बता सकता हूँ। वन टू वन मीटिंग्स नहीं कर रहे लेकिन अगर आप पूरा अपना प्रोफाइल भेजें मुझे तो मे बी वी कैन डू समथिंग, लेकिन प्रेफरेंस ग्रुप मीटिंग ही है अभी तक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रोज़ा रखना है आज बिनते खाकी इंशाल्लाह ताला। मेरी नियत है रोज़े की, 9 तारीख का रोज़ा होगा सुबह, तो मैं नफली रोज़े की मैंने नियत की इंशाल्लाह ताला रोज़ा रखूँगा। बिनते हवा, यू आर इन गुजरांवाला एज वेल, दैट्स गुड टू नो। शबाज तिक्का, यस थैंक यू बिनते। शबाज तिक्का इज़ द प्लेस वेयर वी गो समटाइम्स, और अभी भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दिस टाइम अभी तक नहीं गए लेकिन अब क्योंकि ईद है तो ईद पे तो बहुत गोश्त वैसे ही खाएंगे। कुछ कुछ दिनों बाद अभी गर्मी बारबेक्यू करेंगे तो कुछ दिनों बाद शबाज तिक्का जाएंगे और कोशिश करेंगे, बताएंगे अगर आप वहाँ हैं तो आपसे मुलाकात हो सकेगी इंशाल्लाह ताला।
Oh, you're living in Dubai. Okay, so I was saying for the people who are living in Gujranwala. Janjua, you live in Saudi Arabia. That's good. जी बिनते खाली सर, यस कुर्बानी के जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आगे हैं, सो वी आर गुड Miss you to with Pakistan. जी। पाकिस्तान में ईद डेफिनेटली अच्छी होती है एंड वी लाइक टू हैव ईद इन पाकिस्तान एज वेल। वाह, गुठली भी लेके आनी थी ना सैदा। हम मैंगो खाने लगे हैं, आ जाओ यार अगर आपने खाने तो, बहुत मीठे और बहुत अच्छे पाकिस्तान के वालेकुम मैंगो। सलाम राना नोमी। हाँ जी, गुठली गुठली समझ और जोड़ी गिड़क हुंदी। नहीं आ गया। हाँ रखा है, मेरे को भी ले जाओ, उससे तो अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो? आई लिव 25 मिनट्स अवे फ्रॉम गर्ल। देखकर जाया करते हैं। एक और प्लेट डाल शेक कर दूँ? नहीं, इसी में साइड पर रख नहीं देंगे नहीं सब में। मैंगोज, यस यू कैन हैव मैंगोज। अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट एडवांस कि आप यहाँ से ले सकें, लेकिन यू कैन जस्ट लुक मीठे हैं एट मैंगो और इट। बहुत अच्छे, और ये मुल्तान के हैं। कौन कह रहा था मैं मुल्तान आओ, ये मुल्तान के मैंगो खा जी लो। अम्माद हुसैनी भी मैंगोज मुल्तान से ही हैं, यान यू राइट, मुल्तान के मैंगोज बेस्ट हैं, कोई जवाब नहीं है। जी उमर फारूक, हमसे मुलाकात होगी, हम जाएंगे जब गुजरांवाला तो शहबाज तिक्का पे आएंगे, तो कोशिश करेंगे एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दें तो आप आ सकते हैं, वहाँ मुलाकात कर और सकते मैंगो हैं। बहुत मीठे हैं सैदा, रेली वाकिल। तो वन खा ले, तो मैं फ्रिज पे बिल पेपर दिखाती हूँ। हाँ वो तो नया लिया, पता नहीं वो कहाँ, पता नहीं, देखो आप लोग, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान का खाना बंदों को मोटा कर देता है सैदा, इतना अच्छा होता है कि बस बंदा खा ही जाता है। देखो इतनी लेट हम मैंगो खा रहे हैं, अब क्या मोटे होंगे, क्या करेंगे। मेरे पास पता नहीं क्लियर जा रही कि नहीं, हमने से मैं उल्टा लगाया हुआ। फैशन पैचेस जी सर को विजिट करेंगे। जी कह रहे कि तुम पंजाबी अच्छी बोल देती हो। चलो थैंक यू भाई, किसी ने मेरी पंजाबी की भी तारीफ की। और ना तो लोग कहते हैं पेंडू है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो लोग दूसरों को पेंडू कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे प्लीज समझा सकते हैं? सईदा आप ही बता दो, शायद आप अच्छा बता दो। ओके थैंक यू सईदा। थैंक यू सईदा बताने के लिए, वरना मैं परेशान ही रहती कि क्या हो रहा है। यस यू आर परफेक्ट इन पंजाबी, थैंक यू सईदा। नहीं हम तो पेंडू हैं, क्योंकि जो पंजाबी बोलता है वो पेंडू होता है, और मुझे तो बड़ा फख्र है अपने पेंडू होने पे, क्योंकि जो पेंडू है क्या उनकी बात है, पेंडुओं का कोई मुकाबला कर सकता है भला? सैरी के लिए हम मैंगो ही खा रहे हैं, मेरे मियाँ इतने अच्छे हैं, देखे मैंने इनकी सैरी यहीं करवा देनी। मैंगो इज गुड फॉर सैरी। सदा क्या गए, सैरी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डिनर बहुत लेट किया है, डिनर किया लाइक एट 12 o'clock, 12:31, तो हाँ भूख लेकिन नहीं मेरे है, बच्चों की तबीयत ठीक सो नहीं, जस्ट फ्रूट तो इज गुड तबीयत इनफ। खराब हो जाएगी, इसलिए पंखा चलाया। और हम जहाँ पे कंबल सीधा कर दें। हमारा तो फिर सीधा, देखो ना आपका और मेरा तो कोई मुकाबला नहीं है, और ये जितने अच्छे अच्छे मेरे बहन भाई सारे यहाँ पे हैं,
अच्छे लोगों का तो मुकाबला नहीं देखें, अच्छों को अच्छे मिलते हैं, बुरों को बुरे मिलते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? नो कमेंट्स अबाउट पेंडू। जी उमर सैरी यही करनी है, दिस इज गुड इनफ। हमारी जो सैरी है वो बहुत सिंपल होती है, हम तो एक ग्लास लस्सी पी के सैरी रख लेते हैं बस। रीता ने भी मैंगो खाने हैं, आज रीता आज मैंगो खा लो। दे मैंगो भाई, छुरी लेके मैंगो काटे। इतने सामने आ गई हूँ, ये मुझे मुल्तान के मैंगो लग रहे हैं। सही था, आपकी क्या बात है। अच्छा हियर यू आर रीडा शाहिद, इट्स प्रेटी गुड, बहुत मीठे आम। रियली गुड। हाँ भी तुम डांटती भी हो। नहीं मैं नहीं डांटती, मैं बहुत शरीफ बीवी हूँ, ये मुझे डांटते, मैं नहीं डांटती। हाँ ईद की नमाज़ पढ़ने जाती हैं आप ही? आप पूछ रहे नहीं, मैं घर में पढ़ती हूँ, मैं मस्जिद नहीं जाती नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद में ये जाते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ आप नहीं मस्जिद वगैरह जा सकते, तो इंशाल्लाह जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर जाना, बहुत ही मज़ा आएगा जाने का इंशाल्लाह ताला। थैंक यू गणनदीप पुखार, सॉरी इफ आई मिस रेड योर नेम। रीडा शाहिद मिलेंगे ज़िंदगी में एक बार, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला वी मीट, वी विल बी हैप्पी टू मीट यू एज़ वेल, वी लव टू मीट द पीपल हु लाइक अस। हमें बड़ा मज़ा आता है। आज भी हम इंटरेस्टिंगली हमें एक लड़की आते कहते इंटरेस्टिंगली हमें एक लड़की थोड़े दिन पहले मॉल में मिली, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से हमसे बात की, अपने घर बुलाया तो हम उसके घर गए आज। वेरी नाइस फैमिली, उनका हस्बैंड भी है और इत्तेफाक से हमारे नेबर्स में ही निकले, तो वी वेंट एंड विजिटेड देम एंड माशाल्लाह वी हैड अ गुड टाइम। तो जो अच्छे लोगों से मिलके हमें बहुत खुशी होती है, तो जो लोग कॉन्फिडेंट हैं अच्छे हैं और वो हमसे ज़रूर मिलें कहीं बाहर नज़र आएँ, तो वी डोंट बाइट वी डोंट से बैड, लेकिन अगर आप अच्छी नीयत से मिलेंगे तो ऑब्वियसली हम भी आपको उससे अच्छा मिलेंगे। वो जो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई है सादिया, उसका नाम है, मेरे के इतना मज़ा आया कि आपको बताया नहीं जा सकता। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी कोई लोग नज़र आए जिन्हें आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो जब आप उन्हें देखते हैं तो उन्हें चोरी नज़रों से मत देखा करें, उन्हें भी आप परेशान करते हैं और ख़ुद को भी आप बस अजीबोगरीब इंसान बना देते हैं दूसरों की नज़रों में। अगर आपको कोई अच्छा लगे तो उससे जाके बात कर लें, अगर कोई नहीं अच्छा लगे तो उसे आप अवॉइड करें, उसकी तरफ मुड़ मुड़ के मत देखें, ऐसे घूर घूर के कभी कोई इंसान ना देखा हो। तो हमें भी ये चीज़ बहुत बोदर करती है जब हम बाहर निकलते हैं, जो आके मिलता है अच्छा लगता है, और जो इस तरह छुप छुप के देखते हैं, जब देखो तो मुंह वो तीसरी चौथी पांचवीं साइड पे कर देते हैं, पता नहीं दुनिया के किस कोने में देख रहे हैं। तो कोई इंसान बेवकूफ़ नहीं होता, सबको पता होता है कि कौन उसकी तरफ देख रहा है। तो आप लोग भी इस परेशानी का शिकार मत बनिएगा कभी भी। इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को बता ही दूँ कैसे लोग हमें किस तरह लगते हैं। और मैंगो चाहिए और मैंगो आ रहे हैं। पानी भी लेके हाथ धोने के लिए। अली हाउ आर यू अली, क्या बात। पानी लेके हाथ धोने के लिए यार। देखिए मैंगो पे मैंगो, बारिश हो रही भाई, पता नहीं बारिश कहाँ हो रही बारिश है, और मैंगो एक साथ आ गए, वाह। थैंक बारिश होनी थी आज, पता नहीं हो रही कि नहीं हो रही। यू सईदा, और इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ साथ हो, हमारी खुशियों में और हमारे हंसने में और हमारे लाभ करने में और हमारी पंजाबी में पूरी बराबर के हकदार हो। थैंक यू सईदा,
बस आपके दुआएं हैं ना हमारे साथ जो हमें यहाँ तक लेके आई हैं। एक तो आपकी वीडियो और फिर उसके बाद आपकी दुआएं, और हमारे लिए अच्छी अच्छी दुआएं करते रहो, और इंशाल्लाह हम भी आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड अली। महीन, थैंक यू महीन। यस सईद, वी गॉट मोर मैंगोज, मैंगोज एंड मोर मैंगोज। नहीं, वो जो हमने मैंगो खाए थे वो हमारे हिस्से के हैं, और सईदा ये आपके हिस्से के हम खा रहे हैं, क्योंकि आपको इतने अच्छे माने मिलने तो हमने सोचा देखें दोस्त हो तो ऐसी हो जो दोस्त के हिस्से का खा भी जाए। तो हम अपने दोस्त का जो फर्ज है वो निभा रहे हैं। मरहबा नूर, वालेकुम अस्सलाम। इचे नहीं है ना, इनका टेस्ट कुछ मोटा है। हॉस्पिटल वाले हम कभी भूलने भी नहीं देंगे आपको सईदा, बस हम मिल गए आपको। है ना, कुछ खराब है भाई, कुछ सब कर जी मैंगो वो ये काट के छानी लेके खराब है। सॉफ्ट है तो नहीं, खत्म हो गए। नूर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड, थैंक यू। पानी दे यहाँ दो। आहिस्ता ना बोलो, इन आवाज़ आ रही है। क्या कह रहा है आमिर भाई, आहिस्ता ना बोलें, आवाज़ आ रही है। कोई बात नहीं यार, जिम भी चाहते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, राइडिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। आपके साथ इंशाल्लाह राइडिंग का भी ब्लॉग डालेंगे। खाना अब क्या करें, आप बैठे हैं आपसे बात करें, खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे ज़िंदगी में, है क्या खाएं, नमाज पढ़ें और इंजॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें इतनी नियमतें दी हैं, इतने अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने और इतने ज़बरदस्त फूड दिए हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। तो यहाँ तो शुक्र ही बनता है मेरे भाई। कौन सी ईद ससुराल में करते हैं और कौन सी मायके में करते हैं? ये ना मैं मेरी जो ससुराल में ईद होती है वो छोटी ईद होती है जो सवैयों वाली होती है, और ये देखें कितने चलाक और कितने सियाने, ये गोश्त वाली ईद जो है ना वो अपने ससुराल में करते हैं। तो इसमें क्या चलाक है? क्योंकि जब गोश्त खाने की बारी आती है तो आपके ससुराल पहुंच जाते हैं। तो मैं भी गोश्त खिलाता हूं उनको बेसिकली। जब सवैयां खाने की बारी आती है तो मेरे ससुराल पहुंच जाते हैं। क्या ख्याल है आपका? ठीक जी अली, क्या रिप्लाई करें? आई एम सॉरी आई मिस इफ आई मिस्ड योर क्वेश्चन, प्लीज आस्क अगेन और आई शुड लुक अप। आई एम सॉरी अली, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आप प्लीज दोबारा लिख दें। नूर, हम पाकिस्तान में लाहौर में रह रहे हैं, वी आर इन लाहौर। उमर भाई नाराज ना हो, आपसे भी बात करते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनकी बीवी नाराज हो रही है कि वो हमसे बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप जाके बीवी से बात करें, उसे परेशान मत करें, हमसे तो कभी भी बात हो सकती है। मेरे भाई एज आपको पता, आपसे 5 साल छोटी है। ईद के फर्स्ट डे पे हम इंशाल्लाह बनाएंगे मटन बिरयानी बनाएंगे और मटन कढ़ाई बनाएंगे और साथ कलेजी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, साथ रायता और सैलेड वगैरह। इट्स फासी, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर योर फर्स्ट कमेंट। भाभी सलाम कह रही हैं आपको मेरी। वालेकुम सलाम, भाभी को भी हमारी तरफ से आप सलाम बोल दें। जी हम बिल्कुल वही हैं और देखें असली भी हैं।
और नाश्ता क्या करते हैं ईद पर? नाश्ता क्या करते हैं? सेवैया? कलेजी ने सेवैया? हाँ नहीं, कलेजी का नाश्ता करते हैं, कुर्बानी के बाद वो खाते हैं। यस यस यस। दीदर दीदर करवा। दीदार करवा दें अपना, आपको दावत है हमारी। थैंक यू सर जी। रोज़ा रख के सोएंगे सिदरा ताहिर इंशाल्लाह ताला। अभी बस 15, 20, 25, 30 मिनट में अज़ान हो जाएगी, तो फिर नमाज़ पढ़ के ही सोएंगे फजर की। और सईदा कह रही कैमल कहाँ है? तो कैमल जो है ना, वो सईदा इस टाइम पे रेस्ट कर रहा है। रेस्ट हो कर रेस्ट करो और रेस्ट करने दो। डॉगीज वर्ल्ड ने डॉगी वाली बात ही की है। आप इग्नोर करें, देखें ना भी इसलिए डॉगी नाम रखा हुआ है। डॉगी हर कोई तो नहीं होता ना, चंद एक उन्हें डॉगी भी होते हैं। रायवेंट जाते रहते हैं मेरे भाई। रेवेंट से तो कह रहा तलु क्या, क्योंकि ये मौलवी है ना। यस सईदा। बस करें सोएंगे। टाइम बहुत हो गया। ओके सईदा, ओके सब मेरी बहन और मेरे भाइयों, आप लोग ईद पे जो तैयार हों, जो कुर्बानी करें, अपने जो पिक्स डालें उस पर हमें टैग करें और हमें बताएं कि आप लोगों ने क्या तैयारी की, खास तौर पे सब लड़कियां, क्योंकि मुझे खुद ड्रेसिंग करने का बहुत शौक है और ड्रेसिंग उसे देखने का भी बड़ा शौक है। तो मैं आप लोगों की ड्रेसिंग देखूंगी कि आप सब लोगों ने कैसे की है, तो फिर इंशाल्लाह आपकी पिक्स को लाइक भी करूंगी। तो इंशाल्लाह फिर होगी बात, तब तक के लिए दें इजाज़त और खुश रहें और खुश रहने दें, और बाकी आप एंड कर दें। अल्लाह हाफिज एवरीवन। कल 9 जिलहज है, आप लोग ज़रूर कोशिश करें नफली रोज़े रखने का, इसका बहुत अजर है। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें, इस्तग़फ़ार करें, कुरान पढ़ें। बहुत बड़ा दिन है मुसलमानों के लिए, इसका बहुत अजर है। अल्लाह ताला आपको और मुझे तौफीक दे। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अस्सलामु अल्लाह हाफिज़। अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, मिस यू सईदा। अल्लाह हाफिज़।